नमस्कार माननीय मंत्री जी, श्री कुलस्ते साहब, माननीय मैडम श्रीमती रसिका चौबे जी, मेरे सभी साथी इस वेबिनार में जो सम्मिलित हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भारत आत्मनिर्भर भारत का जो एक कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस कैंपेन को और उस सपने को साकार करने के लिए स्टील इंडस्ट्री बहुत ही कमिटेड है और हर लिहाज से भारत सरकार की इच्छाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए पूर्ण तरह सक्षम भी है और तैयार भी है। हम वो सभी स्टील के ग्रेड और सभी स्टील के आइटम बना सकते हैं जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए चाहिए, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड स्टील हो, चाहे वो हमारी पाइपलाइन से रिलेटेड स्टील हो, चाहे वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट्स हों, वो सभी स्टील का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, भारत की सभी स्टील मिलें पूर्णतः सक्षम है कि हम उसको पूरी तरह से हम अपने भारत के अंदर बना सकते हैं। अतः कुल भारत के अंदर जो आयात है स्टील का, जो अभी 10 से 11 मिलियन टन साल में होता है, उसको हम तुरंत बंद कर सकते हैं और हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अंदर जो आज का जो टॉपिक हमारा लॉजिस्टिक्स का है, ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। मंत्री महोदय जी को मैं बताना चाहूँगा कि 1 टन स्टील बनाने के लिए हमारे को 4 टन मटेरियल को अपने प्लांट में लेके आना पड़ता है, जिसके अंदर से कोकिंग कोल है, आयरन ओर है, जो कुछ और सामग्री है जैसे कि रेफ्रेक्टरीज हैं, लाइमस्टोन है, लाइम है। तो इस प्रकार से 1 टन स्टील बनता है तो 4 टन उसके लिए बाकी का सामान प्लांट के अंदर लेके आना पड़ता है और तब 1 टन स्टील बनता है। तो इसके साथ साथ टोटल अगर जो हम लगाएं तो ऑन एंड एवरेज हमारे को 1250 रुपया पर टन का इनकमिंग का भाड़ा लगता है। तो 4 टन जो हम लेके आते हैं उसके लिए 5000 रुपये का हमारे को फ्रेट लग जाता है। उसके बाद 1 टन फिनिश्ड लोहा, जो पक्का माल है, वो तैयार होता है, जिससे कि वो उसके ऊपर भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी एवरेज जो आती है वो हमारे 3000 रुपये प्रति टन आती है। तो कुल मिला के 1 टन स्टील सर्विस करते करते हमारे 8000 रुपये लग जाते हैं। तो ये 8000 रुपया जो है ये एक बहुत बड़ी राशि है। हमारी जो एवरेज जो एक्स फैक्ट्री प्राइस आती है स्टील की, वो करीब 31000 रुपया पर टन आती है। तो 8000 रुपया 31000 रुपये के ऊपर जो डिवाइड करते हैं तो हमारा करीब 27% भाड़ा लग जाता है आने का और जाने का। तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हम जो हम सोचते हैं हमारे पास कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस है, हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास आयरन ओर अवेलेबल है, हमारे पास कोल अवेलेबल है, उसका पूरा फायदा वो स्टील इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पाता और अल्टीमेटली स्टील महंगा हो जाता है। और स्टील जो है वो एंड यूज, जो कस्टमर हमारा लास्ट माइल कस्टमर है, लास्ट माइल कस्टमर को स्टील की ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा आज के इस वेबिनार के माध्यम से सभी जो महानुभाव इसमें इसमें सम्मिलित हैं और जो इस वेबिनार में हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी को मेरा आग्रह है और माननीय श्री मंत्री जी को आग्रह है कि आप इसके अंदर कुछ स्टील इंडस्ट्री को रियायत दीजिए ताकि ये जो 8000 रुपये का भाड़ा है ये कम होके 4000 रुपये कैसे आए। तो जो हमारा 26% हमारी जो स्टील 27% स्टील के ऊपर फ्रेट लग जाता है इनकमिंग आउटगोइंग के ऊपर, ये कैसे हम इसको 10% पे लेके आ सकें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये होगा तो हम भारत के एमएसएमईज को, भारत के कस्टमर्स को, भारत के लास्ट माइल कस्टमर्स को, जो किसान फार्मर जिनको स्टील चाहिए घर बनाने के लिए, कोरोगेटेड शीट चाहिए, गैल्वनाइज शीट चाहिए, जो उद्योगों को एक प्लेट्स, ब्लूम्स, बिलेट्स जो भी चाहिए, वो एक सही भाव में हम भारत तक पहुंचा पाएंगे। एक भारत एक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का एक हम स्लोगन इंडस्ट्री की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय कुलस्ते साहब, आप प्रधानमंत्री जी से और कैबिनेट में आप ये हमारी तरफ से आवाज उठाइए कि पूरे भारत में एक ही इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ होना चाहिए। भारत में 4 रुपये से 14 रुपये तक बिजली मिलती है पर यूनिट। जब एक भारत है, हमारे पास कोल अवेलेबल है, हमारे पास सूर्य ऊर्जा अवेलेबल है, सौर ऊर्जा, हमारे पास विंड एनर्जी अवेलेबल है, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है,
तो पूरे भारत में ग्रिड के थ्रू एक ही पावर का टैरिफ क्यों नहीं हो सकता, जबकि चाइना में एक पावर है, अमेरिका में एक ही टैरिफ है, जर्मनी में एक ही टैरिफ है, फ्रांस में एक ही टैरिफ है, इटली में और बाकी जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब में एक ही टैरिफ है। तो इसमें हमारे को आपसे दो चीज़ों का आग्रह है कि भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए एक तो जो हमारी जो इनकम वो कम होना चाहिए, दूसरे सर एक रिक्वेस्ट है कि आज पोर्ट्स के ऊपर इतना भारी कंजेशन है, हालांकि पोर्ट्स ने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आज भी पोर्ट्स पे इतना कंजेशन है, उस कंजेशन को खत्म करने के लिए पोर्ट्स को मैकेनाइज करना, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स लगाना और पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस को कम करना। आज हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, करीब हमारा $10 का खर्चा पर टन वो खाली पोर्ट हैंडलिंग के ऊपर लग जाता है, जो कि 200 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आज वो 700 रुपए हमको देना पड़ता है। तो सब कुछ मिला के स्टील इंडस्ट्री की ये दुर्दशा होती जा रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप हमारे मंत्री हैं और जितने भी हमारे साथी जो सहयोगी मेरे इस स्पीच को सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत ही प्रैग्मेटिक व्यू लेके इसका एक मंथन करना चाहिए कि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको कैसे कम करें और हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम करें, ताकि लास्ट माइल कस्टमर को, भारत के नागरिक को, उसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके। धन्यवाद सर, अब हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।